मतलब वॉच कौन से हाथ में पहनना चाहिए जिससे हम लोग ज्यादा स्टाइलिश दिखेंगे, तो देखो दिक्कत क्या होती है ना, अगर आप लोग इसको टी शर्ट के साथ या फिर मतलब ऐसे ही कैरी करके चले जाओगे तो वो बिल्कुल भी कूल नहीं दिखने वाला। एक्सेसरीज या ज्वेलरी आप लोग इसको कुछ भी कह लो, अगर आप लोगों ने इसको सही ढंग से वेयर कर लिया ना तो ये आप लोग के पूरे आउटफिट में चांद चांद लगा देगी। बट अगर आप लोग कुछ गलतियां करते हो ये आप लोग के पूरे लुक को ना चीप बना देगी। इसलिए इस वीडियो में तुम्हारा भाई ऐसे 10 रूल बताएगा एक्सेसरीज को जो हर एक लड़के को पता होना चाहिए। वीडियो के एंड में एक प्रो टिप होने वाली है जिसमें मैं आप लोग को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। तो पहले ना आप लोग को ये कुछ बातें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो दोस्तों, ज्वेलरी जो होती है ना तो वो बहुत सारे टाइप में आती है, जैसे कि मेटल, गोल्ड, सिल्वर, तो जो पर्ल टाइप होता है, मोती होता है, या फिर स्टेनलेस स्टील हो गया, रबर हो गया, सिलिकॉन हो गया, लेदर हो गया। तो देखो 100 बात की एक बार इसको कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसे बंदे हो कि ज्यादा मतलब कैजुअल्स वगैरह वेयर करते हो तो आप लोग ना एक्सेसरीज के साथ थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लोग एक्सेसरीज वेयर कर सकते हो। बट अगर आप ज्यादा फॉर्मल्स को वेयर करते हो तब आप लोगों को ना थोड़े से एक्सेसरीज को मिनिमल करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे नंबर वन चेन्स की। देखो दोस्तों, चेन्स ना बहुत सारे टाइप में मिलते हैं, आप लोगों ने ना स्पेशल इन टाइप के चेन्स को बहुत ज्यादा देखा होगा। ये चेन्स वेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, बट एक बात हमेशा याद रखना, ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैं हिप हॉप में फिर म्यूजिक में दिखाते हैं जो बड़े बड़े चेन्स होते, तो मेरे भाइयों ये आप लोगों को नहीं लेने चाहिए। चेन्स ना स्पेशली अगर आप लोग बेसिक सॉलिड टी शर्ट्स पे वेयर करते हो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देती है। साथ ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर हटके या फिर यूनिक कुछ बताओ तो आप लोग ना मतलब ऐसे स्नेक चेन्स या फिर जो पाइप चेन्स होते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो इनको ले सकते हो। अब अगर आप लोग थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हो, आप लोगों को मतलब चीजों को एक्सपेरिमेंट करना है थोड़ा सा, तो आप लोग स्टैकिंग भी कर सकते हो। स्टैकिंग का क्या मतलब है, आप लोगों को एक चेन छोटी और एक चेन बड़ी वेयर। अब जो चेन आप लोग छोटी वेयर करोगे ना तो उसमें आप लोगों को कोई भी पेंडेंट हो सकता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग ज्वेलरी वेयर करते हो तो आप लोग अगर चेन वेयर करते हो या फिर ब्रेसलेट हो गया या फिर रिंग्स हो गया, तो मोस्टली ना वो थोड़े से सेम कलर के होने चाहिए। बहुत से लोग बोले कि भैया मतलब हमें लिंक भी दे दो, तो देखो ना लिंक देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व करा आप लोगों को शॉप पे कम प्राइस में मिल रहा है, तो वही सेम चेन आप लोगों को मतलब यहाँ पे मैंने देखा ऑनलाइन ज्यादा मिल रहा है, इसलिए मैंने लिंक नहीं दिया, साथ ही मेरे लोकल शॉप्स का भी थोड़ा बिजनेस हो जाएगा। बट अगर मैं ब्रेसलेट की बात करूँ तो देखो कड़ा बहुत ज्यादा फेमस था ब्रेसलेट में और वो आज भी मतलब काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। बट अगर आप लोग को थोड़ा सा हटके दिखना है तो आप लोग हाफ कफ वेयर कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारे भाई ने वेयर करा हुआ है। अब अगर मेरी बात करो तो ये गोल्ड और ब्लैक है, तो आप लोग इसमें सिंपली ब्लैक भी ले सकते हो, सिल्वर वाला भी ले सकते हो, जो काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। देखो दोस्तों, अगर आप लोग को थोड़ा सा प्रो बंदा दिखना है ना, तो आप लोग को जो रबर वाले ब्रेसलेट होते हैं तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। माना कि आप लोग के फेवरेट टीम वाले हो गए या फिर बाइक्स के होते हैं, वो कई बार आप लोग प्रॉपर आउटफिट वेयर करते हो और उसमें वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वैसे में भी बहुत सारे मतलब ऑप्शन आ गए, जैसे कि आप लोग देख रहे, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ब्रेसलेट में स्पेशली जो स्टेनलेस स्टील हो गया, पर्ल हो गया, फिर लेदर वाले हो गया, फिर अगर आप लोग बहुत ही पतला ब्रेसलेट वेयर करना चाहते हो तो आप लोग वॉच के साथ भी उसको कैरी कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। नंबर 3 बात करते हैं रिंग्स की। तो देखो हालांकि हम में से बहुत सारे लोग ना कुछ मॉडल्स को देख के मतलब वैसे इंस्पिरेशन ले लेते हैं, जैसे कि मतलब आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ा लायन का हेड हो गया या फिर स्कल हो गया या फिर ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब मतलब रिंग्स होते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो इसको वो वेयर करते। देखो ये काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, बट दिक्कत क्या होती है ना, अगर आप लोग इसको टी शर्ट के साथ या फिर मतलब ऐसे ही कैरी करके चले जाओगे तो वो बिल्कुल भी कूल नहीं दिखने वाला। अगर आप लोग को डिसेंट सी मतलब कोई रिंग वेयर करनी है तो आप लोग मतलब नॉर्मली जो प्लेन होती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो जो ब्लैक हो गया, तो उसमें वो काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। अदरवाइज आप लोग गोल्ड या फिर सिल्वर की भी पहन सकते हो। ऐसे लोगों को बड़े बड़े स्टोन की भी रिंग मतलब बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो देखो दोस्तों, पहनने में कोई दिक्कत नहीं, बट एक बात हमेशा याद रखना, आपके आउटफिट भी वैसे होने चाहिए। मैक्सिमम 1 से 2 रिंग्स आप लोग वेयर कर सकते हो। अगर आप लोग को ज्यादा रिंग्स वेयर करनी है तो हमेशा याद रखना, आप लोग 2 रिंग्स के बीच में एटलीस्ट गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मतलब 3 वेयर करो तो कंटिन्यू 3 को ही वेयर कर रहे हो, तो आप लोग एक यहाँ पे और एक दूसरे हैंड में भी वेयर कर सकते हो। बट मैं कहूंगा आप लोगों ने 1 या फिर 2 ही वेयर करना चाहिए। नंबर 4 बात करते हैं स्लिंग बैग की, जिसको स्लिंगर्स भी बोलते हैं। देखो मेरे भाइयों ने, इसका ट्रेंड भी बीच में काफी ज्यादा सही था, अभी भी मतलब बहुत से लोग इसको पहनते हैं, ये अच्छा दिखता है। हालांकि अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो काम से और आप लोग के हाथ में बहुत सारी चीजें, आप लोग उसको मतलब पॉकेट में ठुसा रहे हो, इससे अच्छा आप लोग को एक स्लिंग बैग लेनी चाहिए। इसको आप लोग वेस्ट के साइड पे, बैक के साइड पे, फिर शोल्डर के साइड पे भी इसको हैंग कर सकते हो, जो काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। बट आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इसके ऊपर ना ज्यादा पैसे स्पेंड करना भी सही नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसके अंदर 3 से 4 चीजें ही रख पाओगे तो ज्यादा स्पेस भी नहीं मिलता। तो स्लिंग बैग आप लोग जरूर से ले सकते हो, स्पेशली अगर आप लोग टी शर्ट के साथ स्लिंग बैग को वेयर करते हो तो वो काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। नंबर 5 वो इयररिंग्स। देखो ना, हम में से बहुत सारे लोगों को इयररिंग्स पहनना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, सही में वो मतलब दिखने में भी काफी अच्छा दिखता है। बट इसमें एक ही चीज है, वो घर से ताने सुनने पड़ते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं इयररिंग्स को लेकर कुछ बताऊं तो आप लोग हूप इयररिंग्स को वेयर कर सकते हो, जो काफी ज्यादा कूल दिखता है।
अधिकतर। बहुत सारे लोग ना हूप इयररिंग में हैंगिंग वाले मतलब चीजों को वेयर करते हैं, जैसे कि इसमें कुछ भी हो सकता है। बहुत बार आप लोगों ने क्रॉस हो गया, फिर डायमंड हो गया, स्कर्ल हो गया, या फिर विंग हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसमें से ना मैंने भी एक खरीदा हुआ था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। देखो ये चीज अगर मैं डेली वेयर करके घूमूंगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखने वाला, बट हाँ कुछ कुछ ऐसे आउटफिट होते हैं जिनके ऊपर ये काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। नंबर 6 ग्लासेस, सनग्लासेस या फिर एविएटर कह लो। देखो मेरे भाइयों, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज होगी अगर आप लोग फॉर्मल ज्यादा वेयर करते हो। ये नहीं कहूंगा कि आप लोग को महंगे वाले या फिर मतलब रोड साइड वाले सनग्लासेस लेने चाहिए, तो आप लोग अपने नीड के हिसाब से ले सकते हो, बट ये आप लोगों को ना अपने फेस शेप के हिसाब से वेयर करना चाहिए। मान लो अगर आप लोग का फेस छोटा, अगर आप लोगों ने बड़े सनग्लासेस ले लिए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। अगर थोड़ा पहले के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो ब्लैक शेड हो गया, ब्राउन शेड हो गया, मतलब सिंगल सिंगल शेड में बहुत सारे मतलब सनग्लासेस आते थे। अगर आप लोग अभी के टाइम पे थोड़ा नोटिस करोगे तो बहुत सारे ना कलरफुल मतलब सनग्लासेस आने लगे। बिन सनग्लासेस को ना आप लोग स्पेशली कैजुअल्स में भी वेयर कर सकते हो, जैसे कि आप लोग दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। जैसे फेस शेप के अकॉर्डिंग मतलब सनग्लासेस कैसे चूज करने चाहिए इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर से बनाऊंगा। नंबर 7 की चीज है वो है वॉलेट, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। देखो अगर आप लोग बहुत ज्यादा कैश नहीं रखते हो, सिर्फ कार्ड रखते हो या फिर थोड़े बहुत कैश रखते हो, तो आप लोग को बायफोल्ड वाले वॉलेट्स को लेना चाहिए, जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। आप लोग इसको आगे भी रख सकते हो, पीछे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। अभी मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ना हम लोग वॉलेट में ठूस देते हैं और इस वजह से ना हमारा मतलब पिछवाड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब ये बात तो हो गई, बट वैसे भी अगर आप लोग बायफोल्ड वॉलेट को चूज करते हो तो ये दिखने में भी काफी ज्यादा सही रहता है। आप लोग इसके अंदर कार्ड्स रख सकते हो, साथ ही में इसके अंदर आप लोग थोड़े बहुत कैश भी रख सकते हो। ये गलती नहीं करनी कि कैश को आप लोग को मतलब बहुत सारे ऐसा फोल्ड पड़े हुए होते हैं, उसको मतलब हम लोग अपने पॉकेट के अंदर रखते हैं, आप लोग को नहीं करना है। बात करते नंबर 8 वो है वॉचेस। देखो वॉचेस में ना बहुत सारे टाइप आप लोग को मिल जाते हैं आज के टाइम पे। अगर सीधी बात बताओ, अगर आप लोग का बजट कम है, अगर आप लोग कॉलेज वगैरह जाने वाले बंदे हो, तो आप लोग को एक स्टेनलेस स्टील का वॉच लेना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना कि वो थोड़ा स्लीम होना चाहिए, आप लोग के हैंड पे अच्छा दिखता है, और साथ ही में आप लोग उसको ना किसी भी आउटफिट के साथ वेयर कर सकते हो। अगर मैं अभी की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो मैंने टी शर्ट वेयर करा, आप लोग देख सकते हो ये स्टेनलेस स्टील का वॉच है जो DW का है, जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा दिखता है, तो मतलब ऐसा कुछ वाहियात नहीं दिखाएगा आप लोग। बट मेरे ख्याल से अगर आप लोग एक गोल्ड हो गया, एक सिल्वर हो गया और एक ब्लैक वॉच भी ले लेते हो तो ये काफी ज्यादा सही रहता है। साथ ही में आप लोग लेदर वाले वॉच को भी ले सकते हो, जो आप लोग कभी कभी कैजुअल में मोस्टली आप लोग फॉर्मल्स में उसको ज्यादा वेयर कर सकते हो। ऐसे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भैया मतलब वॉच कौन से हाथ में पहनना चाहिए जिससे हम लोग ज्यादा स्टाइलिश दिखेंगे, तो देखो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस हाथ से आप लोग ज्यादा काम करते हो तो उसके अपोजिट हाथ में आप लोगों को वॉच को वेयर करना चाहिए, बस सिंपल है। बात करते हैं नंबर 10 की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन बताता हूँ। देखो अगर आप लोग बिगनर हो, अगर आप लोग जस्ट मतलब स्टार्ट करना चाहते हो एक्सेसरीज को, देखो आप लोग सिंपली ना एक सिल्वर चेन से स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग नॉर्मल एक सिल्वर चेन वेयर कर सकते हो, रिंग्स वेयर करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, तो आप लोग ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो हाफ कफ, साथ ही में एक वॉच। अब ये तीन चीजें से भी आप लोग स्टार्ट करोगे तो आप लोग काफी ज्यादा अच्छे दिखने वाले हो। आई होप तुम लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर देना। साथ ही में आप लोग मेरे और भी यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।